छात्रों, हमारा व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने बहुत कुछ सीखा, वर्ण क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अशुद्धि क्या होती है, उच्चारण स्थान कैसे, जो वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे किया जाता है। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत अंतिम कालांश में कुछ ऐसे बिंदु जो अंश हुए रहे, वैसे आपने इनको अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। यह बिंदु लगभग लगभग सभी कक्षाओं में एक ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें थोड़ा कम समझाया जाता है, तथा जैसे जैसे कक्षाएं बड़ी होती जाती हैं तो उदाहरण बढ़ते जाते हैं, परिभाषा बढ़ती जाती है, उसकी परिभाषा भी लगभग एक ही होती है। कुछ थोड़ा सा भाषा के अंदर उसकी कठिनाई बढ़ जाती है, व्याकरण की कठिनाई बढ़ जाती है थोड़ी सी, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा अंतर इसमें होता नहीं है। फिर भी हम एक बार पुनः दोहरान के रूप में ही सीखते हैं और आप भी ध्यान से देखें। वर्ण विचार के अंतर्गत एक है अनुस्वार। आपने अपनी व्याकरण किताबों में देखा होगा लगभग लगभग जो है ये अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगध्वनि, ये जरूर ये बिंदु आते हैं उसमें। अनुस्वार के अंतर्गत आप देखेंगे कि अनुस्वार जो होता है वह जो उच्चारित होता है वह नाक से होता है। ये जो हंस, कंघा, रंग, इनका जो उच्चारण होता है वह नाक से होता है, और इसका चिन्ह जो है वो शिरोरेखा के ऊपर इस बिंदु के रूप में लगाया जाता है। आप ये शिरोरेखा देख रहे हैं, इस बिंदु के रूप में यह लगाया जाता है अनुस्वार का। और सबसे बड़ी बात इसमें जो समझने लायक बात है वह यह है कि यह अनुस्वार लगभग जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, जो वर्ग के व्यंजन हैं, वर्ग के व्यंजन कौन कौन से, क, च, ट, त, प, इन वर्ग के व्यंजन का जो पंचम अक्षर है, ठीक है, यह और यह पंचम अक्षर, ये पंचम अक्षर ही अनुस्वार होते हैं, पंचम अक्षर ही अनुस्वार होते हैं। जैसे आप जब संधि का प्रकरण जब अपने अपनी क्लास में अपने विषयाध्यापक से समझेंगे तो इस पंचम अक्षर जिसे हम अनुस्वार संधि भी कहते हैं, अनुस्वार संधि भी, और संस्कृत का कालांश जब भी आप पढ़ें और जब अनुस्वार संधि सीखेंगे और अपने अध्यापकों को भी जरूर बताएं कि कैसे इस अक्षर का पंचम अक्षर का अनुस्वार कैसे बनता है वो आपको जरूर बताएंगे, और मुझे भी यदि समय मिला तो मैं भी जरूर बताऊंगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, जैसे रंग है, इसके अंदर एक्चुअली जो पंचम अक्षर है वो है यह है। अब यहां पे इस जो क वर्ग का पंचम अक्षर ग, उसका यह अनुस्वार बना। जैसे कंघा है तो पंचम अक्षर कंघा, इसमें पंचम अक्षर कौन सा है मैं बताऊं आपको, यह पंचम अक्षर है, इस पंचम अक्षर का अनुस्वार बना। अब ये संधि नियमों में जैसे सीखेंगे, यहां थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा, नहीं तो मैं भी इसको यहां पर इसको समझा देता मैं आपको, तो ये पंचम अक्षर का जो है वो अनुस्वार बनता है। तो इस तरीके से और अनुस्वार इस शिरोरेखा के ऊपर इस बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अगला है अनुनासिक। बच्चों, अनुनासिक जो है जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हवा है नाक तथा मुख दोनों के दबाव के साथ में बाहर हमारी निकलती है, और इसका चिन्ह जो है वो शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, ऐसे ये शिरोरेखा इसके ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हंसी चंद्र बिंदु के रूप में, मांग चंद्र बिंदु के रूप में, टांग, ऐसे जो शब्द होते हैं वो चंद्र बिंदु के रूप में, यानी इनमें पंचम अक्षर नहीं है, यहां पंचम अक्षर नहीं है, ठीक है, इसीलिए नहीं तो यहां पे अनुस्वार आता, और ये शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा एक चीज आती है विसर्ग। विसर्ग जो है, मैंने पहले भी आपको समझाया था उच्चारण स्थान के समय, इस विसर्ग का उच्चारण जो है वो ह के रूप में किया जाता है, ह के रूप में इसका उच्चारण होता है, और ये जो शब्द है जितने भी ये शब्द आते हैं जो विसर्ग वाले वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं जिन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जहां पर होते हैं वहां पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, एक चीज और नहीं है जो आगत ध्वनि,
आगत ध्वनि क्या, हम लगभग क्या करते हैं जब भी हमारे पास में नई कक्षा में जाते हैं, ये चीजें हम इतना ध्यान नहीं देते उन पर, बल्कि बहुत ज्यादा ध्यान देनी है ये चीजें हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम वाक्य लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो ये कहाँ कौन सा अक्षर किस रूप में लिखा जाएगा, इनकी बहुत जरूरत होती है। ये किताबें बहुत छोटे रूप में लिखी होते हैं, लेकिन जब हम काम में लिखते हैं इनका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर होता है इनका। अब आती है आगे आपके आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जो होती है ऐसे शब्दों के साथ में लगती है जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आया है, ऐसे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आया, और लगभग लगभग अंग्रेजी शब्दों को जब हम लगातार हिंदी में लिखते चले जाते हैं तो उनको हम आगत ध्वनि कहते हैं, अर्थात ऐसी ध्वनि जो दूसरी भाषा से हिंदी में आई है वो आगत ध्वनि हो गई। और इसका जो चिन्ह होता है, ये जो शिरोलेखा है इसके ऊपर अर्धचंद्राकार इस रूप में इसका जो चिन्ह लिखा जाता है। अब देखिएगा, जैसे डॉक्टर, ये अंग्रेजी शब्द है, कॉपर अंग्रेजी शब्द है, बॉल अंग्रेजी शब्द है, तो ये शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए गए, आगत आदि स्वीकार कर लिया हिंदी ने, तो उसे इस रूप में लिखा जाता है, ये कहलाती है आगत ध्वनि। बच्चों ये कुछ बिंदु यहां पे रह गए थे। अब देखें कि व्यंजन के अंतर्गत, व्यंजन में वर्ण विचार के अंतर्गत जो व्यंजन शब्द है उसमें कुछ बिंदु जो हमने वहां पर नहीं सीख पाए, मैं आपको एक बार पुनः यहां सिखाता हूं। जैसे व्यंजन में होता है संयुक्त व्यंजन, व्यंजन में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से किस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि दो व्यंजन कहां मिल रहे हैं, जैसे मैं आपको तो पहले सिखा चुका हूं इसलिए आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप से सिखाता हूं। क्ष यानी क और क्ष इसमें मिला हुआ है, त्र ठीक है, तो इसमें त और र मिला, यह तो हुआ संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जहां मिले हुए हों और उसका एक व्यंजन बनता हो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, अब आता है द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व द्वित्व व्यंजन, ये द्वित्व व्यंजन क्या होता है ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे शब्द होते हैं द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने ही बराबर वाले व्यंजन से जब मेल होता है तो वह कहलाता है द्वित्व व्यंजन। एक व्यंजन का अपने बराबर वाले व्यंजन से, जैसे देखिएगा अन्न, इस व्यंजन का बराबर मतलब दोनों एक ही से भाई समझ लो, जैसे चम्मच, समान व्यंजन वाले, ठीक है, ये इसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। देखिए देखिएगा बच्चों, एक शब्द है जैसे सत्ता, त और त, ठीक है, तो ये कहेंगे द्वित्व व्यंजन। अब आता है संयुक्त अक्षर, बच्चों संयुक्त अक्षर जो वर्ण है वो आते हैं जब एक स्वर रहित तो व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ में मेल हो, जब स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ में मेल हो तब वह संयुक्त अक्षर होता है। जैसे देखिए बच्चों, यहां पर संयुक्त अक्षर में एक शब्द है संयुक्त, दो वर्ण है यहां पर क और त, क यहां पर स्वर रहित है और त यहां पर स्वर सहित है, स्वर के साथ में है, तो ऐसे दो व्यंजन जब एक साथ आए, व्यंजन जैसे यहां पर ना था तो जो समान वर्ण वाले जो व्यंजन हो तो द्वित्व, और जहां पे अलग अलग हो लेकिन पहली वाला व्यंजन स्वर रहित हो और बाद वाला व्यंजन स्वर सहित हो तो वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे है स्वागत, बच्चों देखिएगा यहां पे स स्वर रहित और वह स्वर सहित, तो यह कहलाएगा
संयुक्त अक्षर, जैसे देखिएगा स्वाद, स और व, स जो है वो स्वर रहित है और व जो है वो स्वर सहित है। जैसे देखिएगा स्थान, बच्चों स और थ, स जो है स्वर रहित है और थ जो है वो स्वर सहित है। जब दो वर्णों का इस तरीके से मेल हो तब वह कहलाता है संयुक्त अक्षर वाले हैं संयुक्त अक्षर। बच्चों वर्ण विचार के अंतर्गत हमने बहुत कुछ सीखा, हमें चाहिए कि हम अपनी किताब से अपनी पाठ्य पुस्तक से वर्ण विचार को भाषा विचार को इसको एक बार दो बार तीन बार जब भी आपके पास में समय हो इसे जरूर जरूर पढ़ें, और जहां कोई चीज आपको लगी है मुझे समझ में नहीं आ रही है उसे अंडरलाइन करें अपनी कॉपी में लिखें, और जब भी अपने विषयाध्यापक से पूछना हो उसे अवश्य चर्चा करें, किसी प्रकार का कोई संदेह कोई कंफ्यूजन नहीं रखें, क्योंकि संदेह जो है वह बड़ा ही घातक होता है। बच्चों आज इस वर्ण विचार को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले एक नए टॉपिक के साथ में नए प्रकरण के साथ में हम आपसे फिर मिलते हैं।